कल शुरू होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट मैच। आज थी कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े लोगों ने बड़ी कोशिश की कि रोहित शर्मा से किसी तरीके से पूछ लेंगे भाई आपकी प्लेइंग 11 क्या है, लोग कब से पागल हो गए तब से कर करके बता दो। लेकिन रोहित शर्मा ने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि भाई 9 बजे सबको पता चल जाएगा कौन खेल रहा है क्या चक्कर है। इसी के साथ साथ पैट कमिंग्स से एक सवाल पूछा गया तो पैट कमिंग्स ने बड़े मजे मजे के जवाब दिए, वो भी आपको आगे जगह बताऊंगा। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वलीद रोफ, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं और सबसे पहले आपके साथ शुरू करते हैं। भाई मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने नहीं आपको बताई होगी, किसी ने जिसको कहते हैं इस चीज को नोट ही नहीं किया। लेकिन मैं जिसको कहता हूं ना, मैंने रोहित शर्मा के चेहरे के एक्सप्रेशन से नोट कर लिया कि वो कुछ जिसको कहते हैं ना एक ब्लफ खेलने जा रहे हैं। वो क्या हो सकता है, अब आपने गौर से बातों को सुनना है। आपके सामने पिच है, पिच आपके सामने कितनी खतरनाक पिच है। पिच के अंदर जिसको कहते हैं ना, हम सबको पता है कि स्पिनर्स की मौज होनी है। ऐसी पिच जिसका आपको पता है कि ये 3 से 4 दिन की क्रिकेट होनी है, तो फिर आप कैसे जिसको कहते हैं ना अपने प्लेयर्स को चांस नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं, हर कोई कह रहा है कि गिल खेलेगा या सूर्य कुमार यादव खेलेगा, बता दो भाई बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं, केएल राहुल ने तो खेलना ही खेलना, नहीं तो पता चल गया केएल राहुल खेलेगा ही खेलेगा, गिल भी खेलेगा, सूर्य कुमार यादव भी खेलेगा। कैसे खेलेंगे मैं आपको जरा डिटेल से जरा समझाता हूं। आप देखिए पिच आपके सामने, पिच कितना खतरनाक है। इस खतरनाक पिच के ऊपर 3 स्पिनर जिसको कहते हैं ना सामने वाली टीम के लिए मोती होते हैं। अब इंडिया के पास जडेजा है, अक्षर पटेल है, अश्विन है, ये तीनों के तीनों इंतहाई खतरनाक स्पिनर्स हैं और ये कंटिन्यूस बॉल कर सकते हैं। ये नहीं थकते होते। इनके साथ के लिए आप एक फास्ट बॉलर को दे दे, सिराज या शामी में से कोई एक बॉलर आ जाए जो कर ले। आपने देखा भी होगा शामी ने नेट्स नहीं किए थे पिछले दिनों, तो इसका मतलब है कि शामी को भी कुछ पता है कि उसने मैच खेलना या नहीं खेलना। लेकिन फिर भी सिराज और शामी में से आप किसी एक बॉलर को रख ले, उसके बाद आप जिसको कहते हैं ना आप 3 स्पिनर्स को खिलाएं, जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन, ये 3 खेलेंगे, सामने वाली टीम पे प्रेशर आएगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या आ गया है, अब आप गिल को भी खिला सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को भी खिला सकते हैं। क्यों खिला सकते हैं, इसकी भी मैं वजह बताऊंगा। लोग कहेंगे भाई बॉलिंग छोटी करके बल्लेबाजी क्यों ज्यादा कर ली, और भाई इतनी खतरनाक पिच के ऊपर आपको ज्यादा बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि आप तो उनको आउट कर लोगे। आपने अपने जिसको कहते हैं ना बॉलर्स के जरिए ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को आउट कर लिया, अब बाद में आपने भी तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग खेलनी है, वहां भी तो 3 स्पिनर्स खेलने वाले हैं, तो उनको खेलने के लिए अगर आपकी जिसको कहते हैं बल्लेबाजी वीक पड़गी तो नीचे से आपको बल्लेबाज चाहिए। और मैं आपको बताऊं सूर्य कुमार यादव और गिल स्ट्रीम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। गिल आपको जिसको कहते हैं प्लेयर इन फॉर्म है, जैसे रोहित शर्मा ने बताया कि वो ब्रिलियंट फॉर्म के अंदर है। सूर्य कुमार यादव वो कर सकता है जो हम सब जानते हैं, वो क्या से क्या कर सकता है। तो भाई गिल भी आपको चाहिए, वो प्लेयर इन फॉर्म है। सूर्य कुमार यादव आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, ऋषभ पंत आपके पास नहीं है। ऋषभ पंत आपको पता है कि जब इतनी खतरनाक पिचेस हुआ करती थी, जब जल्दी आउट हो जाते थे, ऋषभ पंत आके तेज खेल देता होता था। अब आपके पास प्लेइंग 11 के अंदर वो वाला बंदा नहीं है, तो फिर आपको आपके पास जब इतना बड़ा ऑप्शन पड़ा है सूर्य कुमार यादव का, आप उसको क्यों नहीं खिलाओगे। आप उसको खिलाएंगे क्योंकि जब टर्न हो रहा होगा बॉल, हमने देखा है सेकंड T20 के अंदर बॉल कितना खतरनाक जिसको कहते हैं टर्न हो रहा था, सूर्य कुमार यादव ले गया ना थोड़े बहुत रन ही किए, मैच जितवा दिया था। लेकिन बात वही आ जाती है कि सूर्य कुमार यादव है 360 प्लेयर्स, अगर बॉल जिसको कहता है ना खतरनाक किस्म का मूव भी हो रहा हुआ, इंडिया के जल्दी आउट भी हो गए, तो सूर्य कुमार यादव कोई जिसको कहते हैं ना तेज क्रिकेट खेल सकता है इस कंडीशन के अंदर, जो इंडिया को फायदा दे सकती है। क्योंकि यहाँ इस पिच के ऊपर 50-60-70 रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 30-40 भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बल्लेबाज कर दिया तो उसका मतलब है कि टीम के लिए फायदा हो रहा है, तो ये जिसको कहते हैं ना रोल सूर्य कुमार यादव कर सकता है। तो आपके पास जिसको कहते हैं बल्लेबाजी स्ट्रांग होगी, 4 बॉलर्स आपके काफी हैं, 3 आपके पास प्रोफेशनल स्पिनर्स होंगे, 1 आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर होगा और 5 स्पिनर्स आपके पास विराट कोहली भी एक ऑप्शन है। क्योंकि जब ग्लेन फिलिप्स इंडिया की पिच के ऊपर इतना बॉल ब्रेक कर सकता है तो विराट कोहली नहीं कर सकता। अगर आपको जरूरत पड़े तो विराट कोहली से भी आप बॉलिंग करवा सकते हो, तो बॉलिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। और यही होने वाला है, हम सब जिसको कहते हैं ना पिछले एक हफ्ते से पागल हो रहे थे कि गिल खेलेगा सूर्य कुमार यादव खेलेगा, आज मुझे पता चल गया कि दोनों के दोनों खेलेंगे और यही होना है, ये खेलेंगे। केएल राहुल तो खेलेगा ही खेलेगा नंबर 5 के ऊपर, सूर्य कुमार यादव नंबर 6 के ऊपर खेलेगा, बीच में केएस भारत भी इनके पास आएगा। बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप होने वाली है, 3 इनके जिसको कहते हैं स्पिनर्स होंगे, जिनमें से 2 तीनों के तीनों ही ऑलराउंडर है। अश्विन भी बल्लेबाजी करता है, अक्षर पटेल भी बल्लेबाजी करता है, जडेजा भी बल्लेबाजी करता है, और आपके पास सिराज जिसको कहते हैं ना, सिराज और शमी में से कोई एक बॉलर होगा, तो मतलब कि 10 बल्लेबाजों की टीम के साथ इंडिया कल उतरेगा। अगर मैं बात करूं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपके सामने रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना पिच के बारे में बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि 22 के 22 बंदों ने खेलना है। इसी के साथ साथ पैट कमिंग से पूछा गया पिच के बारे में, तो उसने कहा कि पिच जैसा मर्जी हो, हमारे पास स्टीव स्मिथ है,
मतलब कि उसने कहा कि स्मिथ हमारे पास है, स्मिथ जो कि इस इन पिचेस को बड़े अच्छे से खेलना जानता है। तो पैट कमिंस भी उसको कहते हैं ना होशियारी दिखा रहे हैं, रोहित शर्मा भी होशियारी दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या होना है कल, कल कौन से प्लेयर्स खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इंडिया का पता चल गया कि इंडिया ये काम करने जा रहा है। इंडिया चार बॉलर्स के साथ जाने वाला है, पांच तो कहते हैं ना ये पार्ट टाइमर यूज करेंगे, उसी के साथ साथ बल्लेबाजी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है। सूर्या भी खेलेगा, गिल भी खेलेगा, राहुल भी खेलेगा, सारे के सारे खेलेंगे, इवन भारत भी खेलेगा, और मजा बड़ा आने वाला है इस टीम का। जिसको कहते हैं ना फुल टाइम, जिसको कहते हैं ना पैसा वसूल, ये मैच होने वाला है। अगर बात करें तो मैं जिसको कहते हैं ना, मैं एक न्यूज देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुझे न्यूज बड़ी जिसको कहते हैं ना जो कान देने वाली लगी। वो क्या न्यूज थी? वो ये थी कि राहुल ड्राइविड जिसको कहते हैं ना कि जा रहे थे पिच को देखने, तो उन्होंने देखा पिच के ऊपर ग्रास है। अब ये मुझे नहीं पता ये न्यूज सही भी है कि नहीं, मैंने जिसको कहते हैं सोशल ट्विटर के ऊपर देखा है, तो मुझे मैंने पढ़ लिया। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी जिसको कहते हैं ना सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पिच के ऊपर ग्रास क्यों है, ये तो मुझे खेला नहीं जाएगा, पिच चेंज करो। उन्होंने दूसरा पिच को यूज किया, वो वाला जो पिच हम देख रहे हैं जिसका एक साइड जिसको कहते हैं फुल ड्राइव, बीच में ऊपर जिसको कहते हैं पानी भी लग रहा है, रोलर भी फेल रहे हैं, कि स्पिन के लिए छोटा सा टुकड़ा इन्होंने रखा हुआ है, तो वो पिच बनवाया गया उसके साथ वाला, उसके लिए जिसको कहते हैं फिर इन्होंने पूरे इंतजाम किए। तो ये न्यूज मैंने ट्विटर के ऊपर देखी, मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है, लेकिन अगर ये ऐसा है तो मतलब कि इंडिया पिच को लेके कुछ ज्यादा ही जिसको कहते हैं ना परेशान हुआ है। पिच इंडिया को अच्छी चाहिए, अपने मतलब की चाहिए, आप अपने मतलब की मिल गई। अब इस अपने मतलब की पिच के ऊपर भी अगर इंडिया स्ट्रगल कर गया ना, तो इंडिया के लिए बहुत टफ टाइम होने वाला है। लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपको, दोबारा बता दूं, इंडिया बल्लेबाजी स्ट्रांग रखने वाला है, बॉलिंग उनके पास बड़ी खतरनाक है, बल्लेबाजी स्ट्रांग रखने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला भाई के साथ आएंगे। अभी के लिए जिसको कहते हैं ना यही न्यूज़ थी आपके साथ शेयर कर दी, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।